और राजीव त्यागी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमसे बातचीत कर सर, किस तरीके से देखते हैं प्रियंका गांधी खुद धरने पर बैठी रही, जिस तरीके से पूरा बवाल चल रहा है जामिया में, आपने देखा कि पुलिस ने किस तरीके से किया, अब ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी कहां लेकर जा रही है और क्या वाकई जामिया में नहीं मुंबई में छात्रों ने मार्च किया केंद्र सरकार के विरोध में, पटना में लाठीचार्ज किया गया छात्रों के ऊपर, जामिया में लाठीचार्ज किया गया छात्रों के ऊपर, और जिस तरह से पूरे देश के छात्र आंदोलित हैं, छात्र अपनी बात कहना चाहते हैं, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था चाहते हैं, छात्र अपना बेहतर जीवन चाहते हैं, छात्र नौकरियां चाहते हैं और सरकार नौकरियां देने में नाकाम है, छात्र यदि नौकरियां मांगते हैं, शिक्षा मांगते हैं तो छात्रों पर लाठीचार्ज करती है, लाठी बरसाने का काम करती है, और संविधान मेरी जान है और संविधान की सुरक्षा करना कांग्रेस का दायित्व है, इसलिए वो छात्रों के साथ खड़ी है। किस तरीके से होगा, क्योंकि अमित शाह संसद में खुद कह रहे थे जिसे कोर्ट जाना है चले जाइए, लेकिन कानून आके रहेगा और वो आ गया, अब किस तरीके से आगे का रास्ता? अमित शाह जी झूठे व्यक्ति हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठी झूठी है, और निश्चित रूप से वो संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, और संविधान है तो हम सब भारतीय बेहतर भारतीय हैं, संविधान है तो हम पे अधिकार है, संविधान है तो हम सब अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि हमने खून पसीने से संविधान को बनाया कांग्रेस पार्टी ने, इस संविधान को बचाने के लिए हम लोग खून पसीने लगाएंगे। पुलिस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका आरोप छात्रों पर रहा, उन्होंने कहा कि छात्रों ने हिंसा की तो हमने कार्रवाई की बल प्रयोग, ऐसा राजा वैसी पुलिस, राजा भी अत्याचारी है पुलिस भी अत्याचारी है। तो आपने देखा साफ तौर पर राजीव त्यागी ने पुलिस पर आरोप लगाया कि वो अत्याचारी है और राजा भी, इसी तरीके से इस तरह की बातें यहां पर सामने आ रही है, कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से लगातार विरोध जारी है। अपने सहयोगी सार्थक के साथ नवीन चौहान, दिल्ली, हेडलाइंस इंडिया।